के नीचे आते हैं। ये बिच्छू, ये टिड्डी और ये देखो सांप, छोटा वाला सांप, सांप को भी खाया जाता है। ये देखो इधर बड़ी बड़ी लटें और ये मकड़ी, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ। QR कोड को स्कैन करो इस जगह का और इसके अंदर ना बैटरी डाल दो और इसके अंदर वाली बैटरी निकाल के आप वापस से चल पड़ो। ये देखे भाई, ये मिले हैं हमें यहाँ पे। ये जो बिल्डिंग है उसके अंदर से जाती है ट्रेन। So what do you feel? How is it? I love it. Thank you for bringing me here. What is that? Southeast hair. What is that? आज है छोंगछिंग का दूसरा दिन और यहाँ पे प्रतीक भाई तैयार हो रहे हैं। कैम छो भाई और अब मैं निकलूंगा कुछ अलग लोकेशन के लिए और प्रतीक भाई आपको दिखाएंगे कुछ नया, ताकि दोनों के वीडियोज में कुछ सेम ना हो, है कि नहीं, अलग अलग चीजें देखने को मिले। और फिर शाम को हमको भी बहुत वेराइटीज मिले। एक ही थाली में सिर्फ दाल खिचड़ी मिलेगा तो मजा नहीं आएगा, दाल खिचड़ी के साथ बिरयानी मिठाई सब हो तो मजा आता है उसका। करेक्ट, यही बात है दोस्तों। और फिर मिलते हैं हम शाम को आज के व्लॉग में थोड़ी देर के बाद, 3 घंटे बाद मिलेंगे वापस से। तब तक के लिए मैं बहुत सारी लोकेशंस को विजिट कर आता हूँ। हाँ तो मिलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। चाइना के लिफ्टों में भी एडवर्टाइजमेंट होता रहता है जिससे इनको पैसा मिलता है। देखिए किस तरीके का, इधर ये लाइव वाला है, ये टीवी वाला है, जैसे लोग अंदर आते हैं ना ये चालू होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं निरंजन और अभी है चाइना के छोंगछिंग शहर में और यहां आज है दूसरा दिन, बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली है। आसपास का माहौल दिखा देता हूं, टेम्परेचर कैसा हो रखा है। लगभग थोड़ी थोड़ी सी ठंडी है, ज़्यादा कुछ ठंडी नहीं, कल से तो आज कुछ गर्मी है। और यहाँ बहुत सारी ये जो फूड की दुकानें हैं इनको आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जितना फूड है वो नॉनवेज फूड है। और इस तरीके से इधर ये ना लाओशन करके जो इनका एक कंपनी होता है जिसमें बहुत सारी सुपरमार्केट टाइप का होता है ये मिलता है। हमें भी भूख लगी है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन आसपास का जो माहौल है ना वो आपको मैं दिखाता चलता हूँ, आपको व्यू कैसा है वो आप देखते जाइए, क्या क्या लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मॉर्निंग का या दोपहर का जो समय होता है, वास्तव में वैसे मॉर्निंग तो नहीं कह सकते लेकिन दोपहर का समय है, लगभग 12:30 बज रहे हैं। और इधर बहुत सारे जो ताऊजी वगैरह हैं ये शहर से आए हैं, शहर को आए हुए हैं गांव से, और अपनी सब्जियां और फ्रूट्स यहां पे बेच रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, इन्होंने लिखा है 2.3 आरंभिका एक ख्वाई, मतलब एक चिंग मतलब 2.3 आरंभी मतलब होता है, यूँ समझिए इंडिया के लगभग 30 रुपये का आधी किलो यहाँ पर संतरे मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा व्यू आप देखिए, यहाँ बाहर लोग जो हैं इस तरीके से घूम रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से लेके चलता हूँ आपको, फिर यहाँ पे प्रतीक भाई से वापस मिलेंगे 3 बजे के करीबन। सबसे पहले दिखाता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो फूड आपको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं पिंग थांग हुलू चाइनीज भाषा में। इस तरफ है, ये भी एक तरीके का पिंग थांग हुलू है लेकिन इसके अंदर सब्जियाँ हैं, ये टोफू होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये अलग अलग जो सब्जियां होती है ना उनको यहाँ पे रखा है। इधर ना आलू की चिप्स और आलू के ये सब चीज़ भुजिए टाइप के काट के रखे हैं और उनको तेल के अंदर तल के देते हैं। ये क्या चीज़ है इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये इनके चाइना में खाने का तरीका होता है। इस तरफ है ना ये समोसे मिल रहे हैं, इससे पूछते हैं कि शू छाए समोसा है क्या, मतलब सब्जी वाला समोसा है क्या। निहा नहीं, और शू छाए दमा नहीं, और शू छाए दमा रो दमा शीशे हाँ या शू छाए दा शीशे मैंने पूछा सब्जी वाला आपके पास समोसा है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, इसको बोलते हैं पाउच बोलते हैं, सू छाए मतलब होती है सब्जी, और उनके पास नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हम अब मैं वेजिटेरियन रह गया भाई तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। और इधर है आपको मिलता है ये बर्फ़ के गोले के साथ में बहुत सारे फ्रूट्स डाल करके ये सब चीज़ें देते हैं। तो इस तरीके का भाई यहाँ का व्यू है, आप देख सकते हो यहाँ की स्ट्रीट और बहुत ही साफ़ सुथरा यहाँ का माहौल है, गजब है। देखिए आपको ये दिखाता हूँ, साफ़ सफाई तो ना एक नंबर इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। ये देखो भाई इस तरीके से, मेरे पीछे ये जो चीज़ दिखाई पड़ रही है दोस्तों, ये नंबर लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ये है बैटरी चार्जिंग के पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे जो जोमेटो स्विगी वाले जैसे तरीके से डिलीवरी करते हैं ना, वैसा ये सिस्टम होता है। आयो और यहाँ पे QR कोड को स्कैन करो इस जगह का और इसके अंदर ना बैटरी डाल दो और इसके अंदर वाली बैटरी निकाल के आप वापस से चल पड़ो। तो इस तरीके के चाइना में चार्जिंग स्टेशन आपको हर जगह को मिल रहे। हेलो शाफंग, तो वो चीज़ है।
इस तरीके से भाई चाइना में छोटे बच्चे को बोलते हैं शाओ फंगियो, शाओ यानी होता है छोटा, फंगियो यानी होता है फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, ऐसे तरीके से बोलते हैं चाइना में। नी हाओ निमन यो कंज द नग चीशे मा कंज नग कंज द शुए द नग ओ नी यो चा शुए आ चा जी आ मे यो चा जी मे यो मा मे यो हाद हाद। मैंने इनसे पूछा गन्ने का जो जूस निकालने वाली मशीन है, तो इसने कहा मशीन तो नहीं है, गन्ना को छिल करके काट के दे देंगे, उसको चबा चबा के चूस लो, तो वो भाई अपने बस की बात है नहीं। इधर भी वो मशीन हमें दिखाई पड़ी नहीं, तो ये भाई गन्ने को चाइना में बोलते हैं कांज। छिंके वहीगा दोस्तों, इनसे बोला है सुचाई पाव है, तो इन्होंने कहा है वही जो हमारा समोसा, तो अभी लेते हैं इनसे एक समोसा। चीखवा इखवा वो, तो ये 1.5 आरंभिक है जो इंडिया के लगभग 20 रुपए का बनता है दोस्तों, 20 रुपए के अंदर। इखवा वो शीशे सुफो शिंखुला ईदन वो आवाज़ आए ना शीशे है भाई, पहुंच चुका है इनके पास, तो आवाज़ आया जैसे इंडिया में होता है ना पेटीएम पे 1.5 रुपए प्राप्त हुए, तो वैसे ही यहाँ प्राप्त हो गए। ये देखिए मॉर्निंग में यहाँ का लोकल जो खान पान होता है ना, उसको यहाँ लोग बेच रहे होते हैं इस तरीके से, आलू तले हुए होते हैं, पूरे साबुत आलू होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये चिंगशा लो करके जगह है, और यहाँ पे मिल गए मुझे बहुत सारे इंडियंस, ये भाई लोग यहाँ पे अपने इंडियंस लोग मिले हैं, उधर भी बहुत सारे लोग हैं, और भाई विदेश की धरती पर अगर इंडियंस मिल जाए तो एक लाजवाब मजा ही होता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितने सालों से चाइना में हैं? I almost lived in China for like 3-4 years. 3-4 years. Even though I'm in final year of my graduation like course. Okay. I've been here 3-4 years. So आप MBBS कर रहे हैं? Yes, yeah. I'm doing MBBS in Sichuan University, China. आप यहाँ से MBBS करने के बाद आपका क्या ख्याल है? After I doing my MBBS here, I'm going back to India, mm-hmm. and what I learned in China, I'm going to serve that in India. Very nice. Like so here, proud of you. We can learn many diseases and many like completely different from what we learn in India. Okay. We are bringing new knowledge from here to India. Okay. We are like after that I will serve in India. आप चाइना में रहते हैं, तो आप किस प्रकार से इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं? Actually, I'm so proud that I'm Indian, and I can confidently invite so many Chinese people to come to India for travel, as we have so many beautiful places to see in India and all. बिल्कुल दोस्तों, मैं भी बहुत सारे चाइनीजों को इंडिया लेके जाता हूँ। पिछली बार मैं दो ट्रिप किया, जिसमें एक बार 23 और एक बार 17 लोगों को इंडिया लेके गया, और इंडिया बहुत खूबसूरत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइए कि जैसे आपके फ्रेंड्स हैं वो इंडिया जाते हैं आपके साथ में, या फिर अकेले भी जाते हैं आप जैसे प्रमोट करते हो, तो वो फिर इंडिया का क्या ओपिनियन आपको देते हैं, कैसा उनको फील होता है इंडिया के बारे में? या पीपल हु गो टू इंडिया दे फील India is so developing right now. In next 20 years, it may be well developed, just like all the other countries. Even now, we are so clean, and all the new yojanas and some schemes are providing by the Prime Minister. Everything is so great in India. They also feel the same. जय हिंद, नमस्ते। इतनी भीड़ कर क्या रही है? मैं पहुंच चुका हूं चोंगचिंग की इस मोनोरेल वाली जगह पे। इस मोनोरेल को बनाने के लिए इन्होंने 13 ड्राफ्ट तैयार किए थे, तब जाके ये मोनोरेल बनी थी, और इस बिल्डिंग के अंदर से ये स्टेशन बना हुआ है। ये ट्रेन आती है, अंदर को जाती है और उधर निकल जाती है। इसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है ना दोस्तों, ये जो अर्बन ट्रंक का जो वाइब्रेशन होता है वो 75.8 डेसिमल होता है, लेकिन इसका जो वाइब्रेशन है वो 60 डेसिमल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से इन्होंने जो टायर्स लगाए ना इसके, उसके अंदर प्लास्टिक का और इसका रबड़ कोटेड टायर्स हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन भी नहीं होता है, और जो ऊपर रहने वाले लोग हैं वो उनको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये देखे भाई, ये मिले हैं हमें यहाँ पे। इसे बोलते हैं उगोंग मंकी किंग, उगोंग। ये देखे, मंकी किंग से मिला दिया आपको। शिष्य शिष्य वस इंदुरन इंडिया इंदु चोंग फंगयो गोबीदर वाइन ला इंदु वा कोंगचो चा चोंग स्टडी व्हिच सिटी चा फुजियान
福建，对对对。福建，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 
भाई साहब ने जब सुना बोले कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से, तो बोलते हैं शिष्य शिष्य तीन बच्चे शिष्य। तो ये सब लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने पूछा आप कहाँ से कहाँ रहते हो चाइना में, मैंने बोला मैं फुजियान राज्य में रहता हूँ। तो जो बालक मिला था वो बोला मैं भी तो फुजियान में रहने वाला हूँ, फुजियान का ही हूँ। तो फिर बोलता है कि मैं फुतियान करके जगह वहाँ का हूँ। तो भाई यहाँ पे इतने सारे डोमेस्टिक टूरिस्ट लोग आते हैं और इस अट्रैक्शन को देखने के लिए स्पेशली आते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई जिधर आपको देखे, और ये खिलौने खिलौने भी देख लो, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं, ये लोग उड़ाने वाले हैं। इनके नीचे सेंसर लगा होता है जिसकी वजह से ऊपर उछलता जाता है, ये भाई इनका सिस्टम। 60 आरएम भी देकर के आपको ये नदी का क्रूज सफारी कराई जाती है, जिसके अंदर कई सारी लोकेशंस पे ले जाकर दिखाते हैं कि ये जो होंगया तोंग है वहाँ भी लेके जाते हैं, यहाँ वाला ये जो इलाका है यहाँ भी लेके आते हैं, और जितनी ये अमूमन जो नज़दीक वाले स्टेशन है उन सभी में आपको ये ले जा करके दिखाते हैं 60 आरएम। और रात में अगर आपको यही क्रूज लेना हो ना तो इसका पड़ता है 160 आरएम। फिर यहाँ पे ये ग्वांगसी राज्य के बहुत सारे लोग मुझे मिले, और उसके बाद शांगडोंग वाले, इनसे मैंने पूछा आप ग्वांगसी में कहाँ से हो, तो ये बता देते हैं कि मैं कुलिन वाले जो ग्वांगसी है जो ग्वांगजो के पास वाला वहाँ से हूँ। ये लोग बीजिंग के पास शांडोंग नामक राज्य के जीनान नामक स्थान से हैं। शांडोंग लाए वो चीनान चीनान आ निम सेंगर से चीनान दा चीनान दा वो लाए गो हर्ज। चाइना के लोग विदेशियों की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और काफी आपके फोटोज भी खिंचाते हैं आपके साथ में, तो ये आप लाइव में मेरे वीडियो के साथ भी देख सकते हो। ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पकड़ा के जल्दी से आए फोटो खिंचाने के लिए। इन्होंने कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से, बोले हंसवा है मतलब बहुत ही हैंडसम हो। फिर मैंने पूछा कहाँ से हो, बोले झजियांग से। देखो दोस्तों दिखाता हूँ चाइना में टिकटॉक का कितना क्रेज है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दो टिकटॉक क्रिएटर है, लेकिन इन्होंने अपने प्रोग्राम के लिए कितना सेटअप किया वो देखिए, इधर कितनी लाइटें लगाई है, और ये इस तरफ इनका सेटअप है जिसके अंदर बड़ा कैमरा लगा हुआ है। इस एरिया को चोंगचेंग का टाइम स्क्वायर एरिया बोलते हैं, और यहाँ बहुत सारे लोगों की इवनिंग में भीड़ होती है, स्पेशली टावर की वजह से इसे टाइम स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें है दोस्तों देखने को, और जहाँ भी आप देखो आपको लोग है वो फोटोज खिंचाते हुए या वीडियोज रील्स बनाते हुए दिखेंगे। तो लिखा है ना देखिए लव चोंगचेंग करके लिखा है, तो उसके लिए देखो आवाज निकाल रहे बोले जल्दी जल्दी फोटो खींच लो, वो चला जाएगा, वो अभी कुछ सेकंड के लिए आता है, और यहाँ बहुत क्रेज होता है इन चीजों का। Pasha, have you been before in China? It's my first time. First time. So Pasha को बोलते हैं भाई इंडिया आई हो कि नहीं? Have you been in India before? No, actually not. I need to You're go. You're welcome. I'm giving you the invitation of India. Wow, look very beautiful view. दोस्तों इस तरफ से ना जो व्यू है
क्या पूछो नहीं, गजब व्यू भाई, गजब। So what do you feel? How is it? I love it. Thank you for bringing me here. So इनको लेके आया भाई मैं यहाँ घुमाने के लिए, कह रहे कि बहुत मजा आया इनको, अच्छा लग रहा है। So अभी इनकी फोटो खींचते हैं और यू छिला चुप यू स्टिक हियर। यहाँ पे देखो ये लोग तो है मसाज कर रही है, इधर आंटियां लोग है ना ये डांस वांस कर रहे हैं ताकि शाम को बढ़िया इनका बॉडी वॉडी बनी रहे। और ये देखो भाई इनके डांस का भी जोरदार तरीका है, चाइना में हर जगह आपको ऐसे डांस मिलेंगे शाम को इवनिंग में। और ये भी नाच रही है। दिस वन कॉल्ड द पिंग थांग हुलो, पिंग थांग हुलो। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉबेरी पिंग थांग हुलो इज मोर फेमस। इन्होंने अभी यार एक चॉकलेट दी है जो कि पोलैंड से है। सो थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम, एंजॉय। एंड इन इंडियन लैंग्वेज इट से लाइक धन्यवाद। हाउ व्हाट वाज इट अगेन? थैंक यू से इन इंडियन लैंग्वेज धन्यवाद। धन्यवाद, यस धन्यवाद। सो भाई इनका धन्यवाद, इन्होंने चॉकलेट दी है पोलैंड से लेके आई है हमारे लिए। थैंक यू अगेन प्रशांत, दैट्स इन पैरेलेशन, यू आर वेलकम। ओह वेलकम, सी सी। 这个是烘烤的，哎，没有这么油腻。啊、哎，好像这个还有一个。दोस्तों ये यहाँ की local chocolate type की है। अभी इनसे कुछ सामान खरीदने आए थे, तो ये इधर इनके पूरे products हैं, अलग-अलग यहाँ के local special है। हालांकि चीन में देखिए दोस्तों वैसे मांस वगैरह बिकता है, तो ये इधर इन्होंने लारू वगैरह special होता है, जैसे सुअर का जो मांस होता है उसको specially, और ये सारे यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना लोकल फॉर वोकल, तो यहाँ सब जगह सब लोकल मिलते चीजें। अच्छा माँ डिलीशियस माँ, इन तो खास अच्छा इंडिया इसे स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, है। तो दोस्तों ये इनका हुआ है कसा चैन आठ सौ सौ का मतलब होता है 24 RMB। और ये लो भाई 24 RMB कट चुका है, ये भाई बिल बन गया, ये लेके चल पड़े कल बीजिंग में देंगे ये अपने फ्रेंड को। ये पूरा वॉकिंग स्ट्रीट है दोस्तों, और यहाँ पे पूरा खान पान का सामान है। ये देखो जितना कुछ भी है, और चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं, इसलिए इधर आपको हर कुछ मिलेगा, जो कुछ आप सोच सकते हो ना वो कुछ मिलेगा। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है जो खाया ना जाता हो। अब दिखाता हूँ यहाँ बहुत ही गजब चीज, देखो यहाँ क्या मिल रहा है खाने के अंदर। ये देखो भाई, ये भाई कंसले जो बड़े बड़े होते हैं जिनको देख करके डरते हो ना, ईंटों के नीचे आते हैं। ये बिच्छू, ये टिड्डी, और ये देखो सांप, छोटा वाला सांप, सांप को भी खाया जाता है। ये देखो इधर बड़ी बड़ी लटे, और ये मकड़ी, बड़ी बड़ी मकड़ियाँ। इसके अलावा ये देखो ये बिच्छू, अरे भाई साहब ये देखो ये लट, अरे भाई ये सब कुछ खा जाते हैं तल करके। और ये भाई ये इनकी दुकान है, इसके ऊपर देखो जो कुछ भी मिल रहा है ना ब्लैक एंड वाइट वो सब कुछ है। और ये देखो चाइनीज लोग खाने के लिए यहाँ पड़ताल भी कर रहे हैं कि इसको खाए तो कैसा रहेगा, टेस्ट में स्वादिष्ट है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। दोस्तों इनसे मैंने पूछा होंग हुआ से मतलब जो हमारा जो जिसको हम ये गुरावड़े सांप बोलते हैं इंडिया में, ये देखो इसको बोलते हैं होंग हुआस। और चेगे चार शमा जो शाओसेज, हाँ ये जो बिच्छू होता है ना उसको बोलते हैं शाओसेज, जो शंभू से चंद बोल रहे हैं सभी ना ओरिजिनल है भाई, अंदर है इतना साहस कि इन सबको खा जाओगे, चाइना में खा सकते हैं। ये लोग भाई बहुत मेहनत करते हैं, वो हंसिंग खो मैंने पूछा कहाँ से हो, बोले चोंगचिंग से हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं। मैंने कहा ये सर बहुत खूबसूरत, खुश हो गए। क्या यस डम्पलिंग्स, और कुछ डम्पलिंग्स है वो सब्जी वाले हैं, और कुछ डम्पलिंग्स है जो रो वाले हैं। मैं तो सब्जी वाले डम्पलिंग्स खाऊंगा। और मैडम यहाँ पे इन्होंने कहा हमें रो वाला में छोड़, और कह रहे कि गरम है। सो देखते हैं, टेक टेक बाय।
Mm-hmm. How is it? Tasty? हाँ दो दिन में और चाइनीज बोल रहा है नहीं तो भाई मैंने कहा भाई आपकी चाइनीज अच्छी है बढ़िया है खुश हो गई है तो टेस्टी ओके सो दोस्तों अभी हमने कर दिया है आज शाम का खाना और कल हम जाएंगे बीजिंग के लिए और जो प्रतीक भाई है वो जा चुके हैं सियान के लिए सियान से वो जाएंगे शंघाई और बहुत सारी जगह फिर यू में हम प्रतीक भाई से वापस मिलेंगे और छेंदू राइट यू विल गो ओके सो ये जाएगी यहाँ से छेंदू के लिए वहाँ पांडा देखेगी आपने पांडा वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना उसके बाद देखते हैं शायद वापस प्रोबेबली वी कैन मीट इन बीजिंग बीजिंग जाऊंगा तो मिलते हैं देखे अगर हो सका तो और नहीं हो सका तो कुछ नया दिखाएंगे आपको और मेरे पुराने वीडियोस भी देख लेना दोस्तों बहुत गजब गजब चीजें दिखाई अभी रिसेंटली एक वीडियो था चीन में विवाह कैसे होता है वो भी देख सकते हो आप तो आपको वो देख करके भी बहुत अच्छा लगने का है तो इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई मेट्रो स्टेशन भी दिखाए हैं रोड्स भी दिखाई है कल्चर पार्ट भी दिखाता हूँ ऐसी चीजें भी दिखाता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए एंड सी यू बाय बाय जय हिंद